और उधर यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के दो सुखोई Su-25 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फाइटर जेट मेलितोपोल शहर के ऊपर उड़ रहे थे और हमले की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, यूक्रेन का दावा है उसने रूसी विमान को ढेर कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक सबसे पहले उसने रूस के एक सुखोई Su-25 जेट को पूरी तरीके से ढेर किया, लेकिन इसके ठीक कुछ देर के बाद दूसरे को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी आपात लैंडिंग करवानी पड़ गई। हालांकि दावा किया गया कि इस दौरान रूस का पायलट बचकर भागने में कामयाब रहा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मिलना इस बात का इशारा है कि रूस ये जंग बहुत बुरी तरह हारने वाला है। यूक्रेन कई महीनों से F-16 जेट पाने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ा था और पिछले हफ्ते बाइडेन यूक्रेन की मांग पूरी करने को तैयार हो गए, जिसके बाद से जेलेंस्की के तेवर एकदम आक्रामक है। इस बार तो उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे कह दिया कि यूक्रेन के हाथ F-16 लगने का मतलब है जंग में रूस की उल्टी गिनती शुरू होना। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञ भी काफी वक्त से कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन को जंग जितानी है तो उसकी वायुसेना को जबरदस्त ताकत देनी होगी और ये तभी होगा जब यूक्रेन को F-16 जैसा दमदार जेट मिलेगा। आखिरकार अमेरिका मान गया, जिसके बाद पोलैंड समेत कुछ दूसरे नेटो देशों में यूक्रेन के पायलटों को F-16 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर यूक्रेन के खुफिया विभाग एक अफसर के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सेना की हिट लिस्ट में हैं और उन्हें मारने के लिए यूक्रेन की सेना ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन अटैक भी हुआ था, हालांकि तब यूक्रेन ने इनकार कर दिया था कि उसने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने यह कबूल किया कि उनके जासूस पुतिन की हत्या की प्लानिंग में जुटे हैं। इसके लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्हें तैनात भी कर दिया गया। यूक्रेन के एक ऑफिसर ने यह दावा किया है कि पुतिन भी इस बात को जानते हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर ने दावा किया कि रूस में भी काफी लोग उनके समर्थन में हैं और वो चाहते हैं कि एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पुतिन को खत्म कर दिया जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खुफिया विभाग के जासूस पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को भी मारने की कोशिश में है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की मदद के बाद जर्मनी की सेना में तोप और टैंकों की कमी हो गई, जिसकी भरपाई के लिए वो अब भारी मात्रा में दूसरे देशों से इन्हें खरीदेगा। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को जर्मनी ने 18 लेपर्ड 2 टैंक और भारी मात्रा में गोला बारूद दिया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना ने जंग के मैदान में पुतिन की फौज को सबक सिखाने में किया। यूक्रेन को सप्लाई के बाद अब अपनी सेना में तोपों और टैंकों की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने प्लान तैयार किया, जिसके तहत $57.80 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ से 18 लेपर्ड 2 टैंक और $24.30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,000 करोड़ की कीमत से 12 होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2026 तक इस खरीद को पूरा कर लिया जाएगा। इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की संसद ने 28 होवित्जर तोप खरीदने को मंजूरी दी थी। और उधर यूक्रेन के 98 सैनिकों और 8 बड़े अधिकारियों को रूसी सेना ने छोड़ दिया है। जंग के बीच ही दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हुई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से आजाद किए गए उसके कुछ सैनिक घायल दिखे। रूस पर यूक्रेन हमेशा से यह आरोप लगाता आया है कि पुतिन की फौज ने उसके जिन सैनिकों को जंग के मैदान से बंदी बनाया उनमें ज्यादातर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। हालांकि उसके इसी दावे के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के 98 सैनिकों और उसके 8 अधिकारियों को छोड़ दिया, लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना के कितने सैनिकों को छोड़ा इसकी जानकारी नहीं मिली। उधर रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने अपने पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पुतिन के पड़ोस में मूव कर दिया। अब अमेरिका का यह जहाज नॉर्वे की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करेगा और जंग लड़ने की प्रैक्टिस किसके खिलाफ होगी ये तो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका और नेटो का दुश्मन रूस। बताया गया कि एक दिन पहले अमेरिका का USS जेरल्ड आर फोर्ड जहाज नॉर्वे पहुंचा और नॉर्वे रूस का पड़ोसी तो है ही, वो नेटो का सदस्य भी है। ऊपर से नॉर्वे के मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में भी जाएगा। इसी बात पर रूस थमथमा गया। नॉर्वे में रूस के दूतावास ने साफ कह दिया कि जब आर्कटिक में कोई जंग ही नहीं है और न ही नॉर्वे को रूस से कोई खतरा है तो फिर वहां अमेरिका के जंगी जहाज के पहुंचने का क्या मतलब है। इस बीच यूक्रेन को हथियार देकर जल्द रूस को हराने का दावा करने वाले देशों को नेटो ने बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को बिल्कुल भी हल्के में न लें, नहीं तो यूक्रेन और उसके साथियों को मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यह सच है कि यूक्रेन में रूस ने बहुत नुकसान उठाया है। उसके सैन्य उपकरणों की क्वालिटी बेकार है, उसकी सेना की ट्रेनिंग भी खराब है और हौसला भी टूटा पड़ा है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद ये भी सच है कि रूस अपनी इन सभी खामियों को संख्या बल से भरने में लगा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।
इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें, अमेरिका जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा और यही वजह है कि अब रूसी सेना की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर जोरदार हमला बोल दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कह दिया है कि रूसी सेना इस गलतफहमी में ना रहे कि यूक्रेन अकेला है, अमेरिका उसके साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। लगातार अमेरिका यूक्रेन को इससे पहले भी कई मौके रहे जब मदद कर चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन को हर संभव सहायता दी जाएगी जिससे कि वो रूस से मुकाबला कर सके और रूस को मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। और इसी कड़ी में अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। यूक्रेन लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू कर देगा, यानी कि आने वाले दिनों में रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर एक बार जेलेंस्की के पायलट अमेरिका के घातक F-16 लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो रूसी सेना पर कहर बरपा पाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देना चाहता है ताकि यूक्रेन कमजोर ना पड़े। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ने वाला। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पुतिन पर जोरदार तंज भी कस दिया और कह दिया कि रूस इस गलतफहमी में था कि अमेरिका और यूक्रेन इस जंग में अलग खड़क पड़ जाएंगे। He was betting that our unity would crack. Instead, we remain as united as ever. इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को और ज्यादा मदद देने का ऐलान भी यहां से कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक जल्द यूक्रेन को और गोला बारूद दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को अब चीन हथियारों की सप्लाई करेगा, जबकि पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते नहीं थकते। मतलब ये कि जंग के दौरान यूक्रेन को हथियारों की मदद करके चीन अपने दोस्त रूस की पीठ में खंजर घोंप रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने डॉलर कमाने के इस डबल गेम में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, क्योंकि युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग कंपनी बनाई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस डिफेंस कंपनी ने चीन के साथ रक्षा सप्लाई को लेकर पार्टनरशिप की, यानी हथियार चीन के होंगे और उनकी सप्लाई यूक्रेन को पाकिस्तान करेगा और दोनों मिलकर मुनाफा कमाएंगे। वहीं चीन पर पश्चिमी देश पहले ही रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा चुके हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर उसकी राजधानी कीव को दहलाने की कोशिश की। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कीव पर करीब 3 घंटे तक बमबारी की, जिसके लिए उसने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन की पूरी टोली भेजी। लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने एक रात में रूस के एक या दो नहीं बल्कि 36 ड्रोन ढेर कर दिए। यूक्रेन के मुताबिक ये क्यू पर हुआ अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक था जो करीब 3 घंटे तक चला, लेकिन आखिर में इसमें यूक्रेन को ही कामयाबी हासिल हुई। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने इसके लिए ईरान के शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलों ने 36 में एक ड्रोन को भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। उधर रूस ने यूक्रेन की फौज के ठिकानों पर जोरदार हमले करने का दावा किया है। बताया ये गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर डाली, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। रूसी सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के एक MiG-26 फाइटर जेट और 20 ड्रोन को भी मार गिराया। रूस का दावा है कि उसने जेलेंस्की की सेना पर ऐसे भीषण हमले किए कि उसे कुछ इलाकों में पीछे हटना पड़ गया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को गलत बताते हुए ये दावा कर दिया कि वो लगातार रूस के हमलों को नाकाम कर रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने की भी बात कही।